अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित कसरावद तहसील के बाढ़ प्रभावितों की सुध लेने के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, कसरावद एसडीएम अग्रिम कुमार सहित प्रशासनिक अमला मैदान में उतरा है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बाढ़ प्रभावित लोगों के घरों में जाकर स्थिति का अवलोकन किया, प्रभावितों को मदद का भरोसा दिलाया है। कुछ स्थानों पर लोगों में शासन के प्रति आक्रोश भी दिखाई दिया। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और हर संभव मदद करने के लिए भी हम तत्पर हैं। कलेक्टर श्री वर्मा ने कसरावद तहसील में डूब प्रभावित 37 गाँव के 1184 परिवारों के लिए 50-50 किलो गेहूँ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कसरावद एसडीएम अग्रिम कुमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमने डूब प्रभावितों के लिए पैकेज तैयार किया है, जिसमें भोजन, कपड़ों से लेकर बच्चों के लिए किताब कॉपी, स्कूल बैग, सैनिटरी नैपकिन एवं बर्तनों के सेट तक की व्यवस्था की है। इस प्रकृति आपदा में मदद के लिए बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आ रही है। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। पढ़ता है अच्छा, यूकेजी में ही अभी तक। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी पढ़ाई करना है। तुम्हारी पढ़ाई हो गई ना, बार साथ में बाढ़ आई थी ना, वही पढ़ाई है। बाढ़ की पढ़ाई कैसे होती है, दिख रही है ना आंखों से। सर, बच्चों से जब पूछते क्या बनोगे बड़े होकर के, कलेक्टर बनोगे। अच्छी पढ़ाई करोगे तो बन जाओगे, मैं भी गांव से आया हूँ। कोई देखने भी नहीं अभी तक, यहाँ नाम मात्र की कोई प्रशासन से कोई मदद नहीं। और भी तो कुछ है जैसे व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, गरीब कोई व्यवस्था नहीं। ये बच्चों के टीप वगैरह सब तो यही रहेगा, मकान नहीं गिरे हैं, लेकिन सामान तो सब पूरा खराब हो चुका है, सामग्री तो कई तरह से खराब हो चुकी है। शांति शांति शांति, एक एक जोड़ बोलो। देखो ना सर जी, वो लेवल देखो पानी हर तरफ दाल भी सर रात आई है, अंदर सर अभी तो सर एक निवेदन ये सर, एक निवेदन ये था हमारा कि जैसे हम ये डूब क्षेत्र में है सर, हमारे लिए पुनर्वास की सरदार सरोवर वो देख रहे हैं क्या हो सकता है ना, वो देख रहे हैं तो वही सर। अभी सारे जितने गांव लोग गांव है ना, इसकी बात करेंगे हम लोग जी सर, आपकी बात को हमारा तो सर्वे भी नहीं हुआ ज्यादा मकान सर, वो हम पूरा देखते हैं जो डूब क्षेत्र वाले गाँव है ना। सर थोड़ा गाँव में आइए ना, आपके प्रशासन से एक भी कोई अधिकारी कोई नहीं आया, आपके एसडीएम साहब भी नहीं आए, हम बोल रहे कोई नहीं आया, हमारी अंदर हमारे गाँव में कोई नहीं आया। सर आपदा बड़ी थी, लगभग 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, काफ़ी खतरनाक बाढ़ थी और क्षेत्र त्राही त्राही है। आप भी लगातार ग्राउंड पर हो और किस तरीके की व्यवस्था देखिए और क्या व्यवस्था है इन लोगों के लिए? आपदा बहुत बड़ी थी, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इस एरिया में, जिले में ही एक दिन में लगभग 12 इंची पानी गिरा और ये स्थिति ऊपर खंडवा और ऊपर भी जो पूरा एरिया में बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी और सारे डैम लबालब हो गए थे, एकदम गेट से पानी छोड़ा गया, फुल स्पीड में छोड़ा गया, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। कई वर्षों बाद में ऐसी स्थिति कभी कभी बनती है, प्राकृतिक इतनी आपदा मतलब इतनी खतरनाक हम लोगों ने भी पहली बार देखी। हम लोग सुबह से ही लोगों को अलर्ट तो कर रहे थे कि भाई आप लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, पर इतना तेज़ी से पानी बढ़ा तो अभी आके दिख रहे हैं घरों में आकर के, तो कई लोगों का सामान ही पूरा भींग गया है, खाने पीने का सामान भींग गया है, लोगों के मकान वगैरह डैमेज हुए हैं, कई चीज़ डैमेज हुई हैं। सब इस आपदा में सरकार लोगों के साथ में खड़ी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात में बीसी ली थी, उन्होंने कहा था कोई तकलीफ नहीं, लोगों को नहीं आए, कोई जनहानि ना हो, और पूरी कोशिश की और उसमें सफल भी हुए, आपदा को टाला, लोगों की ज़िंदगी बची। अब इनका जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे हम लोगों ने करा लिया है और अभी कुछ कुछ हम लोगों ने एनजीओ के माध्यम से मदद की है, कुछ राशन वगैरह बांटा हुआ है। अभी मैंने कल ही 80 लाख रुपये का जो राशन है सूखा राशन उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से इनको हर परिवार को 50 किलो का अलग से आर्डर मैंने किया हुआ है, वो कुछ दिनों वो भी बढ़ना चालू हो जाएगा। सर्वे हमारा लगभग कंप्लीट है, उसको फाइनल स्टेज में ला रहे हैं और जो आरबीसी तक में जो पात्रता मिलती है
उनको शीघ्र इनको राशि दिलाई जाएगी और उनका और भी जो मदद हो सकती है हम लोग करेंगे। शासन को भी इनकी बात रख रहे हैं, अलग से यदि कुछ ऐसा होगा तो शासन से बात की जाएगी। जनता में थोड़ा सा आक्रोश जरूर है, तो आपसे संदेश चाहूंगा क्योंकि जल्दीबाजी लगती है लोगों में कि कुछ जल्दी मिले। आप वास्तव में ग्राउंड पर हैं और काफी मदद भी पहुंचाई है, एक संदेश। हाँ, वक्त लगता है, चूंकि एक गाँव में होता तो हम लोग उसकी जल्दी मदद कर दें। कई गाँव हैं यहाँ पे, पूरे नर्मदा किनारे के गाँव हैं और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और हमारे पास सरकारी मशीनरी पूरी लगी हुई है, रात के कैंप भी चल रहे हैं, उनको राशन पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनका सर्वे भी चल रहा है और दूनी वर्ग के दूसरे काम चल रहे हैं, उसमें भी हम लोग टाइम निकालते हैं। मैं रात में उस दिन भी यहाँ पर आया था और लगातार गांव में भी जाकर देख रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ। लोगों को बहुत दिक्कत तो बहुत है, अब इससे दिक्कत से उभरेंगे, उनको भी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। ये प्राकृतिक आपदा आती है तो जान है तो जान है, मुझे लगता है कि सब मिल करके करेंगे और सरकार इनके साथ खड़ी हुई है, हम पूरी इनकी मदद करेंगे। थैंक यू। 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा, इसलिए इस क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ और लोगों की सारी लोगों की नजरें प्रशासन की ओर है, तो आपके जिम्मे काफी बड़ी जिम्मेदारी, किस तरीके से निर्वाह कर रहे हैं और क्या है आगे की? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और हम सबको विदित है कि 15 और 16 सितंबर को जो अतिवृष्टि हुई थी और जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी क्षेत्र में, उसमें हमारे कई भारी संख्या में बाढ़ से प्रभावित हुए गाँव, स्पेशली हमारे नर्मदा जो नर्मदा जी की पट्टी से लगे हुए गांव हैं, विशेषतम 22 गांव, वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। उसके उपरांत जब स्थिति थोड़ी नॉर्मल हुई, उसके बाद हमने तत्काल राहत कार्य चालू कर दिया है, जिसमें सबसे सर्वप्रथम तो हमने एक सर्वे दल गठन किया है, जो कि जितना भी नुकसान हुआ है हमारा लोगों के घरों का, उसका मुआयना कर रहा है और वो तत्काल 3 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है। दूसरा, जन सहयोग के माध्यम से हमने कंटिन्यूअसली अपील करते हुए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करी है, जिसके माध्यम से जो हमारे सबसे प्रभावित परिवार हैं, 600 परिवार, उनके लिए हमने डिफरेंट किट्स की व्यवस्था करी है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने करंटली चालू कर दिया है। सबसे पहले हमारी कल ही टीम जो नावड़ातोड़ी सहायता गई थी, इसमें 150 राशन किट वितरण की गई है, जिसमें प्रत्येक किट में 2 हफ्ते का राशन उनको प्रदाय किया गया है। इस किट में 10 किलो आटा दिया गया है, 5 किलो चावल दिए गए हैं, 2 किलो तुअर की दाल दी गई है, रिफाइंड ऑयल की व्यवस्था की गई है, जो कुछ बेसिक मसाले होते हैं वो दिए गए हैं और साबुन की किट दी गई है, ताकि उनको तत्काल रूप से कुछ एक राहत मिले। प्लस हमारे शेल्टर कैंप्स चल रहे हैं 22 जगह पे, जहाँ पे खाने की व्यवस्था की जा रही है। सेकंड, हमने इसके अतिरिक्त भी बाकी चीज़ों को देखते हुए कि घर में इतना पानी भर गया था कि उनके बेसिक सामान भी बह गए थे, तो हमने कपड़ों की व्यवस्था भी की गई है। तो हमने जितने भी हमारे प्रभावित परिवार है, प्रत्येक परिवार के लिए हमने क्लोदिंग किट भी प्रिपेयर की है, जिसमें एक शर्ट, एक पैंट और एक साड़ी की व्यवस्था की गई है, वो सारे प्रत्येक परिवारों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। कल इसी परिप्रेक्ष्य में बोथू गांव में 100 जोड़ी कपड़ों की डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था। ये भी समाज सेवी संस्थाओं से हमने सहयोग के साथ किया है, प्लस हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है निमरानी की, उनके माध्यम से किया है। इसके अतिरिक्त हमने बर्तन किट भी बनाई है कि जो बेसिक बर्तन होते हैं जो घर में इस्तेमाल के होते हैं, वो भी सभी परिवारों को उपलब्ध किए जाए। तथा हमने अभी 2 और कंपनीज के माध्यम से फुटवेयर की व्यवस्था भी कर ली है, जो बेसिक चप्पल और जूते हम वितरण कर सकते हैं, वो भी तत्काल रूप से हर परिवार को वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो 2 स्पेशल सबसे प्रभावित गांव थे, भट्टियान और सायता, इसमें प्रत्येक प्रभावित परिवार को 250 ml दूध का वितरण किया जा रहा है, जो प्रतिदिन आगामी 10 दिन तक कंटिन्यूस रहेगा। इसी रेफरेंस में हमने बेसिकली ये सारी तैयारियां करी है कि हमारे जितने भी डिफरेंट गांव प्रभावित हैं, उनको प्रत्येक परिवार को ये सब सहायता राशि प्रदान की जाए। कुछ को अभी कंटिन्यूसली हमने ऑलरेडी वितरण कर दिया है, आगामी 2-3 दिन में हम अपने पूरे प्रयास से इन सबको वितरण करने की कोशिश करेंगे। कई सारे और हमारे को दिक्कतें भी अभी मेरे संज्ञान में आई हैं, जो कि बिजली से संबंधित हैं, कुछ और व्यवस्थाओं में भी जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह रही है उसके बारे में संज्ञान में आती रहती है, उनको भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि टीम की तरह एक बार कम्युनिटी के सहयोग से उनको हम सुधार की जाए। आपके माध्यम से मेरी यही अपील रहेगी कि और जितने भी हमारे गणमान्य नागरिक हैं जो अपनी स्वेच्छा से इस मुश्किल समय में आगे आना चाहेंगे और सहायता करने चाहेंगे, वो तत्काल आएं और अपने स्तर से मतलब लोगों की सहायता करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल की कड़ी है, जिसमें हमारे सभी जो प्रभावित लोग हैं बहुत दर्द और पीड़ा से गुजरे हैं, उनकी मदद तत्काल।
निश्चित ही सर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोगों में थोड़ा विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। एक संदेश उनके लिए भी कि निश्चित ही सहायता उन तक भी पहुंचेगी। सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। जैसा कि मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की किट्स हैं, ये सब आपके घरों में अभी तत्काल पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो अभी कुछ जगह ऑलरेडी इसका वितरण हो गया है, बट आगामी 3-4 दिवस में आप सभी तक ये पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा सा सहयोग करें आप लोग। वैसे ही बहुत ही मतलब हिम्मत से आपने ये समय निकाला है, थोड़ी और हिम्मत रख के, थोड़ा धैर्य रख के हम आपके साथ हैं और हम ये सब आपकी मदद के लिए यहाँ तत्पर हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।